हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.4 का पाँचवा का छठा सवाल। इसमें टोटल 10 सवाल दे रखे हैं, तो हम लोग बारी बारी से सभी सवाल को हल करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग जाके आराम से और आसान से तरीका से देख सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। छठा सवाल में दे रखा है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। इसको हम लोग बहुत ही आराम और आसान तरीका से समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं ये साइड वाला जो है LHS हो गया और ये साइड वाला RHS हो गया। मतलब हम लोग LHS से RHS को प्रूव्ड करेंगे या सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम लोग जिस साइड से हम लोग सिद्ध करना स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, उस साइड का नाम लिख देंगे। यहाँ पर हम लोग LHS से देखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे LHS लेने पर। तो LHS में जो दे रखा है तो हम लोग उसको पहले लिख लेते हैं 1 प्लस साइन ए। बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए दे रखा है। चलिए हम इस बात को लिख लिए। अब मैं आपको बता दूं, यदि रूट लगा रहे किसी भी हिसाब में तो आप उसका हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को देख रहे हैं ये रूट लगा हुआ है और दिया है 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। ऐसा नहीं कि इसी तरह का सवाल होगा, यहाँ पे रूट के अंदर कुछ भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग उसका हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख देंगे और आगे हम लोग देखते हैं हर का परिमेयकरण करने पर। और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर, रूट को थोड़ा बढ़ा लेंगे और लिखेंगे 1 प्लस साइन ए जो दे रखा है बटे 1 माइनस साइन ए। इस बात को आप लोग बिल्कुल आसान तरीका से समझें। हर का परिमेयकरण का मतलब है हर में क्या दे रखा है 1 माइनस साइन ए, तो आप लोग इसको गुना कर दीजिए। क्या गुना करेंगे? 1 प्लस साइन ए। मतलब हर का परिमेयकरण करने में जो है प्लस जो है माइनस हो जाता है और माइनस जो है प्लस हो जाता है। तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पे 1 प्लस साइन ए से गुना कर दिए। इस तरह से आप लोग को गुना कर दिया। वैसे भी आप लोग ये हर का परिमेयकरण करने के लिए अच्छी तरह से जानते ही होंगे। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब दोनों इस तरह रहे, जैसे कि a प्लस बी और a प्लस बी दे रखा है गुना में रहे, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर? तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे 1 माइनस साइन ए और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, जब इसको हम लोग गुना करते हैं, एक एक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक ही हो जाएगा, ठीक है। या तो एक का स्क्वायर बोल सकते हैं, स्क्वायर करेंगे एक का तो एक ही होगा। अब यहाँ पे साइन है और यहाँ पे भी साइन है, तो प्लस माइनस हो जाता है, पहले माइनस, ठीक है, और यहाँ पे साइन और यहाँ पे साइन, साइन साइन गुना होगा तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो बिल्कुल इस बात को समझ गए होंगे। अब आता है यहाँ पे एक मज़ेदार बात। अब मज़ेदार बात क्या है ये देख लिया जाए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक और लाइन लिख लेंगे, तो पूरा एक एक बात को हम लोग ऊपर वाले जो दे रखा है उसको हम लोग सेम उसी तरह से लिख देते हैं। पहले साइन ए का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए 1, या तो हम आपको जो फॉर्मूला होता है जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, आप लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। यदि हम लोग को लिखना है क्या कॉस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखते हैं, जानते हैं आप लोग। तो फॉर्मूला याद करना नहीं, बस फॉर्मूला बनाने के लिए आप लोग सीखिए। देखिए मैंने यहाँ पर निकाल दिया कॉस एक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक स्क्वायर थीटा। तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कॉस एक स्क्वायर थीटा। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर और रूट हो जाता है ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए, रूट और स्क्वायर जो है ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने के बाद ये रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए बटे का कॉस ए,
या थीटा है तो थीटा देंगे यहाँ पे, ठीक है। इस बात को समझ गए होंगे, जो स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर से रूट ख़त्म, इसका भी रूट ख़त्म, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी रूट, तो रूट और स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा दोनों पर दोनों का। अब यहाँ पे आप लोग समझिए क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे जो दे रखा है वन प्लस साइन ए बटे का कॉस ए, आप लोग को पता है टू प्लस सिक्स बटे टू रे, तो हम इसको लिख सकते हैं टू बटे टू प्लस सिक्स बटे टू, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसको भी हम लोग इसी तरह से लिखेंगे वन बटे कॉस ए प्लस यहाँ पे है साइन साइन ए बटे कॉस ए, बिल्कुल आसान तरीका से आप लोग समझिए। इस बात को हम लोग लिख लिए, हम लोग जानते हैं एक वन बटे कॉस ए बराबर क्या होता है सेक ए होता है, सेक ए का उल्टा क्या होता है वन बटे कॉस ए, ठीक है। तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे साइन बटे कॉस क्या होता है टेन टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिख देंगे टेन ए। तो जो हम लोग को प्रूव करने के लिए दिया गया था वो हम लोगों ने प्रूव कर लिया, और यहाँ पर लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव। तो कितना आसान था आप लोग समझ ही गए होंगे, बिल्कुल आसान तरीका से। देख लीजिए प्रूव करने के लिए यहाँ पर दे रखा था सेक ए प्लस टेन ए, तो यहाँ पर भी मैंने लिखा ला सेक ए प्लस टेन ए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।